अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके लिए चांद तारे लाता। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं अगर मेरा बस चले, जैसे अगर मेरा बस चले तो मैं आपको पलकों पे बिठाऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं आपके पास आ जाऊं। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं बस चले तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इफ आई हैव माई वे। अगर आप बात मैं की कर रहे हैं तो आप कहेंगे इफ आई हैव माई वे। अगर आप बात तुम की कर रहे हैं तो आप कहेंगे इफ यू हैव योर वे। अगर बात उन लोगों की कर रहे हैं तो आप कहेंगे इफ दे हैव देयर वे। अगर बात हम लोगों की हो रही है तो आप कहेंगे इफ वी हैव आर वे। अगर आप बात वह की कर रहे हैं और वह कोई मेल है तो आप कहेंगे इफ ही हैज हिज वे, और अगर वो कोई औरत है तो आप कहेंगे इफ सी हैज हर वे। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ सब्जेक्ट हैव या हैज, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी हैव या हैज लिखना होगा। उसके बाद पजेसिव केस के साथ, यानी माई, यो, हिज, हर, देयर, आर, इन सब के साथ आप वे का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको पलकों पे बिठाता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ आई हैव माई वे आई हैव यू एवर ऑल। यानी अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको पलकों पे बिठाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके लिए चांद तारे लाता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ आई हैव माई वे आई ब्रिंग द मून एंड द स्टार्स फॉर यू। यानी अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके लिए चांद तारे लाता, अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ आता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ ही हैज हिज वे ही कम्स हियर। अगर उसका बस चलता तो वह मेरी मदद करती, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ सी हैज हर वे सी हेल्प्स मी। अगर उन लोगों का बस चलता तो वे लोग मुझको पिटाई करते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ दे हैव देयर वे दे बीट मी। यानी अगर उन लोगों का बस चलता तो वो लोग मुझको पिटाई करते, अगर हम लोगों का बस चलता तो हम पार्टी को अटेंड करते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ वी हैव आर वे वी अटेंड द पार्टी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो बस चलता, यानी मेरा बस चलता, उसका बस चलता, उन लोगों का बस चलता, आपका बस चलता को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप कहेंगे इफ आई हैव माई वे इफ यू हैव योर वे इफ सी हैज हर वे इफ ही हैज हर वे इफ दे हैव देयर वे इफ वी हैव आवर वे। और इसके बाद आप एक सेंटेंस बोलेंगे जो आप कहना चाहें। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।